ओके, 5:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे आग वगैरह भी जला ली है, तो यहाँ पे रखेंगे हम तवा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग भी हो चुकी थी, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो डेली की तरह आज मेरी तैयारी हो चुकी है। अभी पहले एक बारी बैलों को भेजने के लिए, तो एक बार बैलों को भेजते हैं, बाकी काम तो हो रही है। हमारे बैल, तो एक बार इनको भेज देते हैं। ले, आज हमारे घर पे पूजा है, तो एक बार ही नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अभी नहा गई हूँ मैं, तो चलते एक बार मंदिर में। भद्रम करणी दारिद्र दुख भयहरण का तुरन्याम सर्वोपगच्छति विघ्नाथो गणाधिप धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचंदे विवाह च प्रवेशेन्द्र मे तथा संग्रामे संघटे चैवाभिघ्नत अपराधम। ओम सूरस मातृकायै नमः स्वाहा स्वाहा, ओम रुद्रेश्वराय नमः स्वाहा। तो दोस्तों, अभी टाइम दिन के 12 बजने ही वाले हैं, तो अभी हमारी पूजा भी समाप्त हो गई है, यानी कि हवन वगैरह हुआ तो काफ़ी अच्छे से हो चुका है। बाकी ये देखो, नाला वगैरह भी और मिठाई वगैरह भी लग चुकी है हम पे। तो अब हम करेंगे नाश्ता और दिन के लंच की तैयारी। तो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी कर नहीं रही है, बाहर ही आ गई। हेलो मम्मी, लाती है। तो दोस्तों, आजकल तो गर्मी से बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल हैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। बाकी सुबह से काफ़ी काम वगैरह किया, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमने लंच के लिए दाल वगैरह बना दी है, तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और देखते हैं वीडियो कब तक आएगी। आजकल ना फ़ोन की ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रही है शायद, कि मुझे ऐसा लग रहा कि कम आ रही है आजकल। तो दोस्तों, ये है पंडित जी की झूली, जिसे कि मैं ऊपर तक लेके जा रही हूँ, तो ऊपर में चलता है। तो बच्चा पार्टी क्या कर रहे हो यार तुम लोग? चटनी पीस रहे हैं। दाई क्या पीस रही है? तो चटनी, किस चीज़ की चटनी बना रही है दीबू? मैं बना रही हूँ धनिया की। धनिया की? कहाँ है धनिया? ये नीचे से। ये धनिया है, अभी बना रही चटनी है। डाई भाई, कौन सी किस चीज़ की चटनी बना रही? मसाले की? मसाला। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो चुका है और अभी आ रखी हूँ मैं अपने घर के नीचे वाली साइड, तो यहाँ पे से खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, सामने से खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच बहती हुई अलकनंदा और पक्षियों का सुर सुनाई दे रहा है। एकदम शांत भरा माहौल, और सामने देख सकते हो सड़कों पे खूब सारी चहल पहल, गाड़ियाँ दिख रही है। और ये देखो, यहाँ से सनसेट भी होने वाला है। थोड़ा थोड़ा सा लालिमा बची है सूरज की, और बाकी नीचे का व्यू तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी खूबसूरत। जो ये नीचे का एरिया है, यहाँ गाय बैल यहाँ चरने के लिए जाते हैं। कल अलकनंदा नदी का पानी खूब मटमैला दिखाई देता है, इसका मतलब ऊपर की साइड खूब सारी बारिश, तो इसलिए पानी ऐसा हो रखा है। की लालिमा पेड़ों के पीछे से बड़ी गजब की दिखाई देती है, और अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है साथ ही। और यहाँ पे देखो ये, और देखो आसपास के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ों के। और यहाँ पे देखो, दिब्बू और उन्होंने पूरी सीढ़ियाँ गंदी कर दी है। ये देखो सारे लोग यहाँ पता नहीं घास को पीस रहे हैं ये लोग। शाम के 7:30 हो रहे हैं, और अभी आज जा रहे हैं हम एक घर में बर्थडे सेलिब्रेट के लिए। ये वीडियो बना रही वो को भेजा खुशी। अरे तो वीडियो बना रही देखो, आज खुशी का क्या है? हैप्पी बर्थडे। खुशी तेरा आज क्या है? हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे।